जी अभी दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल हक। ये कौन है साथ? मेरा दोस्त है। क्या नाम है आप? अहमद वाहिद। अहमद, ओके जी। क्या कर रहे हैं माना मॉल में? हम वैसे ही आए थे खाने पीने। जी। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ की मतलब जो है गैदरिंग बड़ी अच्छी है, मतलब एक अच्छी एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ का। आप पास ही आए हैं? हाँ जी। अच्छा, दोस्त हैं, कितने साल हो गए दोस्ती? 8 साल। 8 साल, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़े दोस्त मिलते हैं, लंबी लंबी दोस्ती हैं, पक्की दोस्ती हैं। अच्छा, ऐसे ही रहे। अच्छा ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं लाइफ में आप? इसके अलावा हम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है। आप? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही। अच्छा, अभी एक पहेली पूछेंगे आपसे, उसका सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा इनाम। अच्छा, दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं? 192 होंगे। नो। अच्छा, ये क्या सारे नंबर बोल के? तो मतलब ये नहीं, सिर्फ एक आंसर क्विक। 195 लास्ट। जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है इन्होंने, 195। बहुत से तुक्कों के बाद एक आंसर दिया है जो ठीक है। जी, इनको अब गिफ्ट मिलेगा, फाइनली दे गॉट अ गिफ्ट, सो इनको गिफ्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक। क्या नाम है आप? राना अमजद। राना अमजद, ओके जी। ये कौन है? मेरे भाई। भाई हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अमाना मॉल में? अमाना मॉल में हम आए तो कुछ शॉपिंग करने थे, कुछ भूख लग गई है, अब तो खाएंगे। अब सही हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? क्या हो रहा है, आप क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ। लॉयर? जुडिशरी की एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। लॉयर हैं, तो इंसाफ आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में मिलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं मिलते। अच्छा, आप जब वकील बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है, आप लेके दे सकते हैं इंसाफ, लड़ सकते हैं लोगों के लिए? क्या मतलब, मैं वकील हूँ, बन क्या जाऊँ। अच्छा अभी अच्छा, मुझे लगा पढ़ रहे हैं अभी। ओके, बन चुके हैं। तो आपने कितने लोगों को इंसाफ लेके दे दिया है? कुछ 7-8 केसेस ऐसे हैं जो मैंने विन किए हैं। मैंने केसेस लड़ना, इट्स लाइक डिफिकल्ट, चीज़ों को ढूंढना, उनको उनके लिए लड़ना। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको थ्रेट दिया और धमकी दी हो? नहीं, ऐसा अभी ऐसा केस आया नहीं मेरे पास। कुछ डेयरिंग केस जो बड़े मसले मसाइल हों? नहीं, वो मोस्टली कम होते हैं। तो क्या आपको लगता है हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता है, जल्दी मिलता है, लेट मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है? ये केस टू केस वेरी करता है, तो इंसाफ तो मिलता है। अब वो आपका वकील कैसा है, वो क्या आप वकालत कैसी कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अच्छा, कभी कोर्ट रूम में लड़ाई हुई है आपकी जज से? मेरी नहीं हुई, वैसे नॉर्मली होती है वहाँ पे लड़ाई। सही है, सही हो गया। अच्छा, एक पहेली पूछेंगे, अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम मुझे वैसे ही दे दें पहेलियाँ मैम? ऐसे इनाम नहीं मिलता ना, जवाब देंगे तो इनाम मिलेगा। पहले आप इनाम बताएं क्या हो? नेकी के बगैर तो सवाब भी नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर, चले पहली पूछने टाइम वेस्ट के बगैर। अच्छा ये बताएं, दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं? 365? नो। 265? नो। वो आप तो ये कहेंगे या मुझे? आप नहीं, मैं सही आंसर पे आपको यस बोलूंगी। कोई हिंट देना आप? हिंट नहीं दे सकते ना, हिंट के बाद तो फिर सब पता चल जाए। इनके बाद सब अच्छा चल जाता है तो। अच्छा, मुझे गेस। डोंट सर्च ऑन गूगल, ओके? मेरे सामने चीटिंग कर रहे हैं, डोंट सर्च ऑन गूगल। और अगर इफ यू वांट टू गिव आंसर बाय यहां से देखकर तो फिर आप दे दें, यू डोंट विन अ गिफ्ट। नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, ये भी गलत बात है, बट आर यू डूइंग सरे आम चीटिंग, सरे आम चीटिंग। बताएं आंसर। मैं आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी मेरे ऊपर जी, आपने देखना नहीं है। नहीं नहीं, अब आप ढूंढे ना आंसर, प्लीज फाइंड करें। ठीक है, बस ठीक है जी, 195 आंसर है, इन्होंने देख लिया है, बस ठीक है।
बहुत अच्छा लगा बात करके. गिफ्ट दो. नहीं अभी ऐसे चीटिंग पे नहीं मिलता ना. चीटिंग पे गिफ्ट नहीं मिलता. मैं कौन सी चीटिंग कर. अच्छा चलिए गिफ्ट तो बताएं. गिफ्ट था क्या वैसे. अच्छा गिफ्ट था. हम क्यों बताएं. चैनल की तरफ से होते हैं गिफ्ट. क्या हो सकते हैं. हम आपको क्यों बताएं क्या गिफ्ट है. जब मिलता तो यहाँ पे सब देख लेते. नहीं चले आप वैसे. चले छोड़े. बताएं कोई टैलेंट है दोनों में. हिडन टैलेंट. हिडन टैलेंट है पर हम ऑन कैमरा बता नहीं सकते. अच्छा नहीं लगेगा. क्या ऐसा कैसा टैलेंट है कि आपको बताते हुए शर्म आ रही है. कार रेसिंग वगैरह हम बहुत करते हैं. अच्छा रेसिंग करते हैं. अच्छा गाना वाना आता है कोई. सिंगिंग हमें ऐसे काम पसंद ही नहीं है. काम क्यों नहीं पसंद. सिंगिंग में क्या बुराई है. पूरी दुनिया सिंगर्स के पीछे पागल है. तो ऐसे है कि नात बंदे को पढ़नी चाहिए. अल्लाह ताला की तरफ जाना है. आती है कोई आपको नात. आती है पर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है. चलिए जी बहुत अच्छा लगे इनसे बात करके. आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी करते हैं बात. बहुत शुक्रिया. जी तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी करते हैं बात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे आप. ठीक हूँ आपकी दुआ. क्या नाम है. इरफान अली कमाल. इरफान कमाल. ये कौन है आपके साथ. मेरा दोस्त. क्या नाम है आपका. अली कमाल. अली कमाल. ये तो है तो भाई लग रहे हैं. इरफान अली कमाल. अली कमाल. ओके जी. अच्छा कजन्स तो नहीं कहीं. जी कज़न. ओके कज़न्स. कज़न्स प्लस दोस्त हैं. ओके. अच्छा क्या कर रहे हैं हमारा मॉल में. हम शॉपिंग करने आए हैं. शॉपिंग करने आए. क्या शॉपिंग करने का सोचा है. और क्या कोई शादी चल रही है घर में. नहीं बस वैसे आए. वैसे आए टाइम किल करने और शॉपिंग करने. जी जी. ओके जी. अच्छा सही. क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. हम पढ़ते हैं अभी. एफएससी क्लियर किया हम दोनों. एफएससी क्लियर. ओके कहाँ से की है. एफएससी हमने मैं पब्लिक स्कूल और कॉलेज कर दूँ. तो क्या चांसेस हैं. कैसा रिजल्ट आएगा. इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा. इंशाल्लाह. अच्छा आप बताएं कैसे पेपर दिए आपने. अल्लाह का फ़ज़ल से सही हुआ. अच्छा कोई सवाल पूछ लूँ आपसे. जी 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 पूछे. मुझे खुद भूल गए. अच्छा अच्छा सही. आपसे भी एक पहेली पूछेंगे. सही जवाब दिया तो आपको इनाम मिलेगा चैनल की तरफ से. अच्छा दुनिया में कुल कितने मुल्क हैं. 152. 184. नो. 152. नहीं 152 नहीं है. जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं. यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं. उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप. अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. क्या कर रहे हैं आप हमारा मॉल में इस टाइम. हमारा मॉल में रेस्टोरेंट है मेरा बाय द नेम. अच्छा अच्छा अभी एक सवाल पूछेंगे. थोड़ा सा एक चलते हैं मजाक की तरफ भी चलते हैं. एक पहेली पूछूंगी. सही जवाब देंगे तो इनाम मिलेगा आपको. अच्छा बताएं दुनिया में कुल कितने. ये पहले इनाम बता दें. इनाम बड़ा अच्छा. आप बस जवाब दें. इतना मुझे पता है कि लास्ट टाइम जो मैंने चेक किए थे अराउंड 200 के करीब. 250 हो गए हैं. 150 के अराउंड. एग्जैक्ट फिगर है 156. नो तो आप बता दें कितने हैं टोटल. हम शो के एंड पे बताते हैं और उससे पहले नहीं बताते. अच्छा उससे पहले. लेकिन मुझे ये बताया अराउंड 220 सा मिले आप. 220 के नहीं उससे नीचे. उससे नीचे है. 200 से ऊपर है. नीचे 187 कह ले. करीब है 187-185. लेकिन अब इसका इनाम नहीं मिलेगा ये मैं बता रही हूँ. इतने हैं. चले जी. कोई नया मुल्क बन जाता है तो ऐसा नहीं. नया मुल्क का इफ्तिताह नहीं हो रहा. लेकिन बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी करते हैं बात. जी तो हमारा मॉल में बहुत इंजॉय हो रहा है. लोग खा पी रहे हैं. आगे चलते हैं और लोगों से भी इस तरह बात करते हैं. यहाँ पे दो दोस्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप. अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं. मैं ठीक. क्या नाम है आपका. अनूश शरीफ. अनूश शरीफ. ये कौन है आपके. ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं अजान हसन. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कैसी हैं आप. मैं ठीक. रही है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. मेकअप किसने किया आपको. वैसे मेकअप की जरूरत नहीं है आप. वैसे मजे की बात है ये मेकअप मैंने खुद किया.
लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू सो मच. अच्छा है. लाइक आई आल्सो डू प्रोफेशनल मेकअप, सो थैंक यू सो मच. शॉपिंग के लिए आई थी. आप यहाँ पे क्या कर रही है भाई? हम तो यहाँ पे शो कर रहे हैं और आपको पकड़ लिया, अब आपसे बातें करेंगे. कर रहे हैं क्या? वो शो है. हाँ जी, ये वो शो है कि हम जो आपसे कर रहे हैं बातें. मुझे बातें करने का वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. मुझे बड़ा मजा आया आपसे. मुझे बहुत ज्यादा, मुझे भी बहुत ज्यादा है. लेकिन मेरे दोस्त से भी बात कीजिए आप. ओके ओके. योर नेम गुड नेम. हाँ, माय गुड नेम इज, जैसे मैं गुड हूँ ऐसे मेरा नाम भी बहुत प्यारा है, अजान हुसैन. अजान हुसैन. ओके अजान, क्या करते हैं आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट एंड कोरियोग्राफर. के फॉर इन विच चैनल? फ्रीलांस. फ्रीलांस. पाकिस्तान हमारा है, सारे चैनल्स हमारे हैं, सारा मीडिया हमारा है, तो हम किसी एक जगह कैसे रुक सकते हैं? ओके, दैट इज वेरी गुड, वेल सेड. अच्छा बताएं आपको कौन सा मेकअप, जो जैसे न्यूड मेकअप होता है, डार्क मेकअप होता है, स्मोकी मेकअप होता है, कौन सा मेकअप जो है अजान को बहुत पसंद है, लड़कियों पे होना चाहिए? बेसिकली मेकअप का मतलब होता है आपकी ब्यूटी को निकालना. तो जो आपकी ब्यूटी को चेंज कर दे मेकअप, उसको कहते हैं. और आप कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे कि बाजी टाइप, वो उनको अगर हम मॉड मेकअप करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. कुछ बाजी टाइप यू नो कि मीन से कुछ भी करते रहोगे लेकिन उन पर वो ग्लैमर, वो लुक नहीं आता. आप उनको जीन्स पहना दो, उन पर मेकओवर कर दो. कुछ होता है कि आप उनको सिर्फ सॉफ्ट मेकअप का भी टच दो तो वो बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाता है. बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है. या ये भी होता है जिन्होंने कभी मेकअप ना किया उनको भी बहुत ज़्यादा एकदम चेंज लुक होता है. पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको मेकअप करना चाहिए. और नाइट का मेकअप मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है हॉट स्मोकी, जिसमें पूरी लुक चेंज हो जाए. ओके जी. अच्छा आप बताएं आप क्या करते हैं? आई एम अ DOP ऑफ IQ फैशन TV. अच्छा, तो और क्या लाइफ में हो रहा है, क्या एंजॉयमेंट, क्या हैपनिंग है लाइफ में? बस मजे में, अल्लाह का शुक्र है. एंजॉयमेंट अजान से शुरू होकर जान भी खत्म हो जाती है. अच्छा ये बताएं, दोनों दोस्त हैं, कब से दोस्त हैं? हमें तकरीबन हाँ 2-3 माह हुआ है. 2-3. और दोनों दोस्त ऐसे हैं बेस्ट फ्रेंड के, अब चाहे सालों भी गुजर गए हो ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं होगा जैसा ये मेरा दोस्त है. अच्छा क्या लग रहा है, क्या गट फीलिंग है, ये दोस्ती कितनी देर तक जाएगी आगे? बस जब तक सांस है तब तक तो जाएगी मेरी. ओह माय गॉड, व्हाट यू सेड. अजान इस पे क्या कहेंगे? आपने मेरे से बात करके थोड़ा सा ये तो मतलब जान ही लिया होगा कि मैं किस टाइप का हूँ. यू आर वेरी जोली माशाल्लाह. एक बार मिल लेना बस, वो फिर मेरा ही हो जाए. ओके जी, ये तो होता है कॉन्फिडेंस. ओके अच्छा जी, बात की. अच्छा मुझे एक बार बताएं, इनकी कोई एक अच्छी क्वालिटी बताएं कि इनकी कोई बुरी क्वालिटी, और आपने भी इनकी सेम बतानी. अच्छा पहले आप बताएं. अजान की अच्छी बात यही है कि अजान किसी के साथ अनफेयर नहीं करता. ओके क्या सबके साथ लॉयल चलता है. और बुरी क्वालिटी ये है कि अजान कुछ ज़्यादा ही लॉयल है, किसी से ज़्यादा प्यार करता है. वो ना करे तो वो सही है. हाँ सही बात है. अच्छा आप बताएं इनकी क्या अच्छी और बुरी क्वालिटी. फर्स्ट एंड ऑल ये बहुत मासूम है, कोई भी इसको मतलब बातों में उलझा पागल बना सकता. छोटा बच्चा है अभी, अभी वो स्ट्रगल वो पीरियड नहीं आया अभी, देन वो अभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा वो शायद इसलिए. और बुरी चीज़ इसके अंदर ये है कि बस ये जो थोड़े मिनट में मुझे नहीं मिलता, थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता, तो मुझे गुस्सा आता है कि इतने मिनट क्यों. अजान, मेरे माइंड में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, अजान कभी किसी मॉडल पे गुस्सा आया और उसका मेकअप ख़राब कर दिया हो तुमने? एक दिन पहले ही मेरी सियालकोट में वर्कशॉप थी, 1 डे वर्कशॉप में करता हूँ, तो वो जो मॉडल बैठी ना, एक तो 45 अबव थी, कहती जी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ आप मेरा मेकअप करें. और बैठते हुए ना वो लाफिंग कर रही थी. मैंने कहा आप हंसी क्यों? नहीं जोक सुनाया मैंने आपको. कहती नहीं नहीं. फिर हंसने लगी, उनकी सहेलियाँ भी हंसने लगी. मैंने उसके बाद मैंने कहा सॉरी मैं मेकअप नहीं कर सकता. वो जिनने ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने बोला नहीं नहीं आप करें, मेहरबानी आपकी. मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. फिर मैंने उनको फिर वैसा ही मेकअप किया. मैं क्या आप मतलब बहुत गुस्सा आया था मुझे उस वक्त, दिल कर रहा था मैं उठा मतलब मेकअप आर्टिस्ट बदला भी लेते हैं मेकअप बुरा करके. हाँ फिर मैंने उसका बुरा मेकअप किया. अच्छा चले बताए दोनों में से कोई क्या हिडन टैलेंट है, गाना आता है सिंगिंग? नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता. सिंगिंग आती? मैं तो रोडों पे डांस कर लेता हूँ. मुझे लग रहा है अजान सिंगिंग से कर देंगे. डांस करता हूँ और मैं, लेकिन आप नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर लेता हूँ. आर्टिस्ट तो वो होता है ना जिसको आप सरेआम कहे वो हो जाए. अगर आप आर्टिस्ट है परफॉर्म करके दिखाएं. परफॉर्म घर में हमेशा करते हो? नहीं हम यहाँ पे वैसे सिंगिंग ही करवा सकते हैं, सिंगिंग ही करवा सकते हैं. बहुत अच्छा लगा आपसे अजान से और आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.
जी कैसे हैं आप? खैर मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी। क्या नाम है आपका? नदीम कुरैशी। नदीम खुर्शीद, ओके जी, थैंक यू हमें मुझे जगह देने के लिए। ओके, आज आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए? जी बिल्कुल। सामी कौन, कैसी है? ओके जी, ये सब आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह जी, तीन बेटियां एक बेटा है ये। ओके जी, बहुत क्यूट है, क्या नाम है इसका? आपकी तीन बेटियां हैं और एक बीवी है, तो फिर शॉपिंग तो लगता है बहुत करती होंगे आप? जी माशाल्लाह मेरी वाइफ करती है, मैं बच्चों की शॉपिंग मेरी वाइफ ही करती है। तो आपको मजा आता है शॉपिंग करा के, वरना तो बंदे तंग आ जाते हैं बीवियों। आता इसलिए कि मुझे बेटियां बहुत प्यारे हैं, वाइफ भी बहुत प्यारे हैं, उसके लिए माशाल्लाह। दैट्स वेरी स्वीट जेस्चर व्हाट यू सेड। किस स्कूल में पढ़ते हो? एलजीएस। किस क्लास में? सेवन। ओके, तो स्कूल में कैसा लगता है? एलजीएस पसंद है? क्या एनवायरनमेंट डिफरेंट है बाकी स्कूल से और एलजीएस में? एनवायरनमेंट स्टडी ज़्यादा सीरियस है। सीरियस लेते हैं स्टडी को? जी। ओके, अच्छा कोई पोइम आती है आपको, कुछ गाना वाना कुछ? कैसे हो आपको गाना? कोई गाना आता है? बस बस ना आती है। व्हाई नॉट यू? हाँ एग्जैक्टली, अदीना सुना आती है ना। योर नेम? अदीना। अतिया। अदीना, ओके, बहुत डिफरेंट नाम है माशाल्लाह दोनों के। उनका था शवाना एंड इनका अदीना। ओके जी, इसका क्या मतलब है? जन्नत में जाने वाले। जन्नत में आने वाले। जन्नत में जाने वाले, ओके जी। दोनों बहनों के बहुत ही प्यारे नाम है, वो तीसरी वाली का तो बता दें। वानिया अहमद। वानिया अहमद, अच्छा नामों के बारे में लगता है बड़ा सोच के रखे हैं आपने। आपने रखे हैं, आपकी वाइफ ने? मेरी वाइफ ने रखे हैं जी। आपने पहले से सोचे हुए थे कि फिर डिस्कस किया इनके साथ तो फिर रखे? हमने मीनिंग्स की वजह से डिस्कस करके बाद। ओके ओके, अच्छा आप फिर क्या सुना रही हैं? मैं कुछ भी सुना देती हूँ। कुछ भी सुनाए, इंग्लिश सॉन्ग कुछ भी सुनाए। इफ आई कुड फ्लाई आई'd बी कमिंग राइट बैक होम टू यू। आई थिंक आई माइट गिव अप एवरीथिंग जस्ट आस्क मी टू। जी अदीना ने हमें एक गाना सुनाया है। अच्छा अब एक पहेली पूछेंगे आपसे, जो इसका सही जवाब देगा उसको मिलेगा इनाम। ओके जी, दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं? एनीवे नो आंसर। नो 200 समथिंग। कितने? 270 आई थिंक। नहीं, हम चाहते हैं सर जी आप जीते। 270 से वेरी डाउन। 175 वेरी अप। अब 220 200 he is enjoying 190 very near 195 अच्छा मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके। आई रियली वॉन्ट के जीते और इन्होंने गिफ्ट जीत लिया है एंड आई होप कि ये जो गिफ्ट है ये बहुत सब इंजॉय करेंगे। ओके जी, प्रोड्यूसर जी ये गिफ्ट जीत चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? वकास। वकास, ये दोनों कौन हैं आपके? दोस्त हैं, फ्रेंड। ओके जी, फ्रेंड्स हैं आप लोग। ओके, क्या करने आए हैं यहाँ पे अमाना मॉल में? हम शूट करने आए हैं। शूट करने आए हैं? ओके, शूट करने हैं, किस चीज़ का शूट करने हैं, क्या करने आए? नकली करने के लिए आए हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं? अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। तो आपने अभी कर ली है क्लिक? 2000 की है, उन्होंने कहते हैं अलाउ नहीं है। मतलब पिक्चर्स क्लिक करना क्यों अलाउ नहीं है? पिक्चर्स क्लिक करना तो होनी चाहिए, उनको पता चल। अच्छा ये बताएं वैसे क्या करते हैं लाइफ? मैं स्टडी। क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर। आप दोनों भी सेम फर्स्ट ईयर की है? जी। किस कॉलेज से? सेकंड ईयर। मेरी वर्कशॉप है। अच्छा अच्छा, तीनों कब से दोस्त हैं? मुझे तो देर से हैं, बचपन से साथ ही हैं जी। अच्छा दोस्त हैं। अच्छा ये दोस्ती बरकरार रखने का आप एक वो बता ही दें, हर बार बता दें कैसे रखी जाती है दोस्ती बरकरार? तो कौन बता रहा है? आप बता। कहते हैं जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं ना तो उस अपने दिल के अंदर एक कब्रिस्तान बनाते हैं, ताकि एक दूसरे की बातें जो आपको बुरी लगे वो उसके अंदर दफन कर लें। चलें जी, अभी इनसे एक पहेली पूछते हैं और अगर इन सही जवाब दिए तो इनको इनाम मिलेगा। बताएं दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं? अभी आपकी दिमाग की बत्ती चलानी पड़ेगी, देख लेंगे कितना दिमाग। 128 114 सवाल मुश्किल नहीं है वैसे।
नहीं नहीं अट्ठाईस या चौबीस नहीं कम ममालिक है इतने ही है ममालिक हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र क्या नाम है आलिया ये आपकी बेटी है जी क्या नाम है इनका फातिमा 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 बोलती है जी अभी क्या बोलेंगी फातिमा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम पोइम आती है फातिमा को ओके जी फातिमा में पोइम सुनाने लगी है ट्विंकल ट्विंकल वाली सुन किंग किंग लिटिल स्टार हाउ अ लॉन्ग लव आर अप आशू आई किंग किंग लिटिल स्टार ओ वाओ पोइम में आवाज निकली गई फातिमा की ओके बाय बाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं मैं भी ठीक क्या नाम है सिद्रा सिद्रा अच्छा पहले तो सिद्रा की नाक की तार बड़ी प्यारी लग रही है थैंक यू सो मच अच्छा ये बताएं क्या कर रही हैं इसको आप प्ले लैंड तो नहीं लेकर आई हुई जी इसको प्ले लैंड लेके हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं अच्छा यहाँ से नहीं है जी ओके हमारी यहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी उस सिलसिले में हम लोग आए हुए थे तो फिर आज ही वो खत्म हुई है तो हमने कहा बच्चों को कुछ इन्जॉय ओके जी एज अ प्रोफेशन यू आर अ बैडमिंटन प्लेयर योर नेम सिद्रा ओके जी हमारे साथ बैडमिंटन प्लेयर मौजूद हैं अच्छा बताएं ये फील्ड तो बड़ी कहते हैं ना लड़कियां बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में तो बहुत सी लड़कियां इस फील्ड में कम ही जाती हैं यहाँ पे यंगस्टर भी आपको सुन रहे हैं कुछ उनको मैसेज दें कि लड़कियों को इस फील्ड को परस्यू करना चाहिए तो क्या एक ऐसी क्या वो कैसे स्टार्टअप करें इस चीज़ को लड़कियों को बिल्कुल आना चाहिए इस फील्ड की तरफ और ये है कि स्टार्ट तो ले लें उसके बाद देखें मैं माशाल्लाह बच्चे के साथ भी खेल रही हूँ मैंने माशाल्लाह तो सब कुछ हो सकता है लेकिन मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और आप मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया पहले मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया फिर मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह उनसे भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया तो खुद से शौक था सिद्रा आपको कि फैमिली ने कहा कि स्पोर्ट्स में जाना है सिद्रा ने मुझे खुद से शौक था पहले तो फैमिली को था कि इतना नहीं लेकिन जब उन्होंने देखा कि माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और मेरा इंटरेस्ट भी था और फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी आने लगी तो फिर उन्होंने फुल सपोर्ट करना शुरू किया मोस्टली होता है बच्चियाँ जो होती हैं स्पोर्ट्स में स्कूल्स तक कॉलेजेस तक खेलती हैं उसके बाद नेशनल लेवल पर नहीं जाती हैं लेकिन आप गए हो मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हूँ लास्ट सैफ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हूँ पाकिस्तान से ओलंपिक प्लेयर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइम खेल रही हैं मौजूद है मुझे सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप जैसे लोग इंस्पिरेशन है स्पोर्ट्स में हमारी लड़कियां बहुत कम है और फैसिलिटेशन भी बहुत कम है बच्चियों के लिए कि वो आगे जा सके बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन ये इस फील्ड की तरफ आना चाहिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए खासतौर पर लड़कियों को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए अच्छा ये आपका बेटा है ये मेरा बेटा है क्या नाम है इसका आरिश आरिश अस्सलाम वालेकुम आंटी से बात करें आरिश मुझे स्टेयर कर आरिश क्या देख रहे हो आरिश आप मुझे पोइम सुना रहे हो आर यू गोइंग टू बड़ा मूडी लग रहा है हाँ, इस वक्त मूड ऑफ हो गया क्योंकि प्ले लैंड से बाहर ले आई हूँ ना ओके जी अभी एक पहेली पूछेंगे अगर आप जीत जाएंगी तो आपको इनाम मिलेगा आई रियली वांट आप विन करें आसान सी पूछिएगा आसान सी पूछूंगी अच्छा दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं और मैं आपको हिंट भी दे दूंगी आप सोच अच्छा आप हिंट दें पहले एक आंसर दें फिर मैं उसके बाद दूंगी दुनिया में कुल कितने ममालिक कुछ आइडिया नहीं थ्री समथिंग लेस करें लेस करो 200 समथिंग हाँ थोड़े से और कम अच्छा 170 180 190 92 95 यस 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 बिकॉज वी रियली वॉन्ट कि सिद्रा विन करें हमारे से बैडमिंटन प्लेयर हैं सो सिद्रा ने जीत लिया है 195 ममालिक है पाकिस्तान में ओके जी तो सिद्रा को इनाम मिलेगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक क्या नाम है आप इशाल फातिमा इशाल फातिमा ये तो मेरी कज़न का भी नाम है इशाल फातिमा वैसी तो नहीं है आप शरारती नहीं क्या बड़ी तंग नहीं करती मम्मा को करती हूँ तो फिर शरारती हुई ना इशाल फातिमा नाम की बच्चियाँ शरारती होती नहीं आती अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में टू में कौन से स्कूल में बिगन हाउस बिगन हाउस ओके क्या करती हैं स्कूल के अलावा इशाल और क्या 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 शौक है क्या खेलती हैं सुपन सफाई पकड़न पकड़ाई चिल लग रही हैं इशाल तो बड़ी ज़्यादा खुश खुश हाँ मम्मा को तंग करती हो हाँ बिल्कुल
तो मम्मा लेकर आती है माना मोल रोज? कहती हूँ रोज आने। नहीं नहीं कभी कभी लेकर आती हैं। अच्छा ईशान को खाने में क्या पसंद है? नूडल्स। नूडल्स ओके। अच्छा ईशान को क्या आता है? पोइम आती है, नात आती है, गाना आता है, क्या आता है? नात। ओके जी, ईशान हमें नात सुनाने लगी है, सो ओवर टू यू ईशान। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आकाशवार जीना अब मेरा हुआ है। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उमम, बिगड़ी बना दो मेरी तैयबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैयबा के वाली। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही उमम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। जिसको बुलाया गया वो ही अर्श बड़ी है, आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है। जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली, जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली। मैं तो उम्मती हूँ ऐसा ही। ओके जी, सुभान अल्लाह, ईशान फातिमा ने बहुत प्यारी नात सुनाई है। और आजकल बच्चों को नात, क्योंकि गाने वाने बच्चे सब गा लेते हैं लेकिन नाते वगैरह बहुत कम, जो नात है वो बच्चों को आती है। और बहुत प्यारी ईशान फातिमा ने नाच सुनाई है। थैंक यू सो मच ईशान फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास A1। क्या नाम है आप? शुमाइला। अमाना मॉल में क्या कर रही हैं? खाने पीने आई हैं, शॉपिंग के लिए आई हैं? करने आई हैं। शॉपिंग करने? क्या शादी चल रही है घर में कोई? कुछ भी नहीं, वैसे ही घूम, वैसे ही शॉपिंग, शॉपिंग भी घूमने वैसे ही। ओके जी, ये कौन है साथ आप? ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी भांजी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा ही आपकी मामा है जी। ओके जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक। ओके जी, कौन सी क्लास में पढ़ती है? सिक्स में। ओके, तो ईमान कौन से स्कूल में जाती है? लारे पब्लिक मॉडल हाई स्कूल। ईमान को कुछ आता है? पोइम, नाच, गाना, कुछ भी? नाच सुना देती हूँ। चले जी, ईमान हमें नाच सुना रही है। ले ईमान, ओवर टू यू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूरो 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 नूर, नूरो 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 नूर। उनके दर का हर गदा सुल्तान है, ये हमारे प्यारे नबी की शान है। माशाल्लाह, ईमान ने बहुत प्यारी नात पढ़ी है और बहुत अच्छी नात पढ़ी है। बहुत अच्छा लगा इनकी फैमिली से बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या नाम है? शानजे। शानजे, ये कौन है? फिजा। फिजा बहन है? बहन है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा, किसके साथ आएंगे? पापा के साथ? हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक बिल्कुल। ओके जी, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती है फिजा? टू। आप? टू। कौन से स्कूल? अमेरिकन लाइफस्टाइल। सेम अमेरिकन लाइफस्टाइल। ओके, अच्छा जी, क्या आता है दोनों को? पोएम आती है? हाँ जी। ओके जी, कौन सी सुनाती है? ट्विंकल ट्विंकल। आप? ट्विंकल ट्विंकल। चलो फिर जी, दोनों ने सेम सुनानी, दोनों पकड़ के माइक एक साथ सुनाएंगे।
twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. अच्छा चले जी, बहुत अच्छा लगे इनकी फैमिली से बात करके। जी नाजरीन, आपने देखा आज का शो, हमें तो बहुत मजा आया, आपको भी जरूर मजा आएगा। हमने पूछी आज पहेली, बहुत से लोगों ने दिया इसका सही जवाब, बहुत से लोगों ने दिया गलत जवाब। आपने भी देना है कमेंट्स में इसका जरूर जवाब। आज की पहेली थी, दुनिया में कुल कितने ममालिक हैं? दुनिया में जनाब ममालिक हैं 195। तो आप भी देखते रहिए शो, देखो जीतो और अपनी हसन हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।